सुल्तानपुर में प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हुआ मुकदमा। गुमशुदगी के मामले पर हुआ था प्रदर्शन। 47 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ हुआ मुकदमा। सुल्तानपुर का एक व्यापारी गायब हुआ तो उसके परिवार और साथियों ने धरना दिया। पुलिस पर इन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। उस व्यवसायी का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसे बरामद करने की गुहार लगाते हुए प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामला जरूर दर्ज हो गया। सुल्तानपुर में पटेल चौक पर जाम लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये मुकदमा SI रमेश कुमार यादव की तहरीर पर दर्ज हुआ है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि उन्होंने शांति व्यवस्था भंग की और पुलिस वालों के साथ हाथापाई करते हुए गाली गलौज की है। दरअसल ये मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर का है, जहां किराना व्यवसायी मंगलेश जायसवाल बीते 27 मार्च से गायब हैं। लगातार उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा। मंगलेश के परिवार ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी और अपहरण का केस दर्ज कराया। वहीं लोगों ने गुस्से में बीते 1 अप्रैल को पटेल चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए लखनऊ बलिया राजमार्ग को जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासे का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया। बताया जा रहा है कि ये मामला 67 लोगों पर दर्ज किया गया है, जिनमें 47 लोग नामजद हैं और 20 अज्ञात। इस मामले में उप निरीक्षक रमेश कुमार यादव ने तहरीर देते हुए कस्बे के रहने वाले विपिन कुमार जायसवाल, अरविंद कुमार जायसवाल, अनूप जायसवाल, गणेश सोनी, प्रदीप कुमार समेत उर्मिला जायसवाल और डाली सोनी सहित कई लोगों को नामजद किया है। SI रमेश कुमार का कहना है कि इन लोगों के रास्ता जाम करने पर शांति व्यवस्था भंग हुई। साथ ही साथ SI ने ये भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने समझाने गई पुलिस के साथ हाथापाई की और गाली गलौज भी की। साथ ही साथ इन लोगों ने पुलिस को मारने की धमकी दी। SI का ये भी आरोप है कि इन लोगों के जाम से लोग डर गए और अपने घरों और दुकानों को बंद करके बैठे रहे। बहरहाल अब मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, लेकिन दूसरी ओर व्यवसायी मंगलेश का कुछ पता नहीं चल पाया। लिहाजा अब ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, कहीं से भी घटता हुआ नजर नहीं आ रहा। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।